नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। करंट लगने से भाई बहन की मौत, बचाने गए बाबा भी झुलस गए। महेशगंज थाना क्षेत्र के बगवाई कामसिंह का पूर्वा गांव में बृहस्पतिवार दोपहर धान के खेत में घुसे मवेशी भगाने गए अंश यादव 8 वर्षीय व उसकी बहन अंशिका 5 वर्ष की करंट लगने से मौत हो गई। बच्चों को बचाने गए उसके बाबा राम आसरे भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। खेत में बिजली का केबल कटकर गिर गया था जिसमें करंट था। खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। माँ समेत अन्य परिजनों रातों को बिलख गए। मौके पर पहुंची पुलिस लेकिन छानबीन के बाद लौट गई। जानकारी पर रीता ने शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े। लोगों ने डंडा लेकर केबल हटाया। तीनों को गंभीर हालत में उपचार के लिए CHC महेशगंज के हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बच्चों को रेफर करते हुए राम आसरे को भर्ती कर लिया। ग्रामीण दोनों बच्चों को लेकर कुंडा CHC पहुंचे जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल चुनाव जीतने के बाद गाजा पट्टी में किया हमला। बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इसराइल का चुनाव जीतने के कुछ समय बाद गाजा पट्टी की ओर से इसराइल के शहरों में 5 रॉकेट दागे जिसमें से एक और आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में इसराइली रक्षा बलों ने कहा कि वे आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली के बारे में स्पष्ट नहीं थे लेकिन बाद में अपने बयान की पुष्टि की। गुरुवार रात 9 बजे के बाद रॉकेट आयरन के गाजा सीमा में प्रवेश किया। शहरों की कुंसुएन हाशलोक की निरीक्षण के संपर्क कर दिया क्योंकि गाजा पट्टी के एक रोमांच लॉन्च किया गया था। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार रॉकेट हमले के बाद अब तक किसी ने हाथाहाथ होने की खबर नहीं आई है। सेना ने कहा कि लगभग 1 घंटे बाद मतलब 10 बजे दक्षिण इसराइल ने गाजा से 3 और रॉकेट दागे लिए लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वह राजा पट्टी में गिर गए। नौकरी का झांसा देकर आग फोड़ी, हाथ पैर तोड़े 70,000 में भिखारी गैंग को सौंप दिया। 6 महीने पहले नौकरी की तलाश में घूम रहे कानपुर के नौजबद्दार रवि नगर निवासी सुरेश माझी 30 वर्षीय को इसके परिजन मछरिया गुलाबी बिल्डिंग निवासी विजय ने अपने झकरकट्टी पुल में बांधकर फिर उसे पीट कर हाथ पैर तोड़े, पंजे तोड़ दिए, आंखों में केमिकल डालकर उसे अंधा कर दिया, शरीर को कई जगह दाग भी दिया। फिर आरोपी ने उसे दिल्ली के एक भिखारी गैंग में 70,000 में बेच दिया। वहां यातनाओं से उसे तबीयत खराब हो गई और गैंग के लीडर ने 2 महीने पहले उसे आरोपी विजय के हाथों कानून भेज दिया। तब से आरोपी उससे शहर में भी भूखा प्यासा रखकर भीख मंगवा रहा था। रविवार को चौराहे पर हारगिर की मदद से सुरेश नोबस्ता स्थित अपने घर पहुंच सका। यहां दोनों भाइयों समेत और प्रवेश ने उसे अगले गले लगाया। गुरुवार को क्षेत्रीय पदार्थ प्रशासन शुल्का को घटना की जानकारी भी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।